मैं चेतन कक्कड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण पार्टी तो जो कि अमृतसर की समूह समुची टीम ने अच सिद्धू मूसेवाला जो आतंकवादी अपने आप में बब्बर खालसा एजेंट आखता है वह पुतला चलाया तो ना ही बब्बर खालसा जो कि साढ़े पंजाब का माहौल खराब करना चाहते रहे इतने हिंदू सिख भाईचारे वक् वक् करके खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं इन्हों के खिलाफ अच्छ संघर्ष करते हुए शिवसेना हिंदू राष्ट्र टीम ने अच सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर जिसने बीते दिन ही स्टेज के उत्ते लाइव आके कहा कि 2009 तो मेरे जो कि बुलेट के उत्ते बब्बर खालसा का स्टिकर लगा हुआ है तो अपने आप में बब्बर खालसा एजेंट दसिया तो यह जो कि आने वाले नौजवानों फ्यूचर के अपने फैन को बब्बर खालसा के नाल जोड़ रहा उत्साहित कर रहा बब्बर खालसा के नाल जोड़न लई उसके खिलाफ अच्छ संघर्ष करते हुए सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर तो बब्बर खालसा का पुतला फूकया गया तो बी जो कि थोड़े दिन पहले कि पंजाब पुलिस ने एक कामयाबी हासिल की है बब्बर खालसा ने खालसी खालिस्तानी रेफरेंडम 2020 का जो प्रचार करने वाले आतंकवादियों पकड़िया आ तो मैं सरकार को मांग करता हाँ कि इन्हों सारे आतंकवादियों फांसी की सजा दी जानी चाहिए है ताकि जो पंजाब का माहौल शांतिमय तरीके बनया रहे जय श्री राम हर हर सिद्धू मूसेवाला मुर्दाबाद सर तुम अपने एक प्रेस नोट के पुलिस से भी गंभीर इल्जाम लगाए ने भी वो भी इन्होंने कार्रवाई जी नहीं कर रहे तो उन्होंने मिले हुए हैं इनके बारे तुम कहना चाहते हो पुलिस प्रशासन के अगे तो अं शुरू तो अपील करते आए हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन को अं पहले भी कई बार दस चुके हैं कि जो कि मैनू चेतन कक्कड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदू राष्ट्र नव निर्माण पार्टी तो साढ़े संजय कपला जी सौरभ सेतिया जी शहरी ठाकुर जी इन्होंने शरेआम खिलाफ बब्बर खालसा ने खालिस्तानी सम जो कि समर्थन से उन्होंने वीडियो पाइया शरेआम AK-47 वर्गे व्डे व्डे हथियारों वीडियो पाइया पर पुलिस प्रशासन ने हाले तक कोई कार्रवाई नहीं की लोकल नंबरों तो धमकी भरे फोन आए पुलिस प्रशासन ने हाले तक कोई कार्रवाई नहीं की सही अपनी जान बचाने लिए अपने तरीके चलते हैं इसलिए अज तो अं एक नारा लगाने शिव शक्ति का जाप करेंगे अपनी रक्षा आप करेंगे।